हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और दोस्तों, आज यहां पर है मेरे पास एक इनक्यूबेटर जो कि मैंने इसे बनाया है। ठीक है, एक लोग का ऑर्डर था तो मैंने इसको बना के तैयार किया है। क्या क्या सामान लगा है, कैसे बना है, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इसको बनाते हैं। पूरा बना करके मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको बनाते हैं। अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये लगभग 50-60 अंडों की कैपेसिटी है इसमें। आप इसमें 50-60 अंडे आसानी से रख के हैचिंग कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ क्योंकि एक लोग का ऑर्डर था कि मुझे एक इनक्यूबेटर बना के दे दीजिए। ठीक है, तो ये गोंडा जिला में रहते हैं, मैं इधर उन्नाव जिले में रहता हूँ। तो इधर से बोले थे कि हमारी जो बहुत सी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, जो आते जाते रहते हैं कानपुर लखनऊ हाईवे से, तो यहाँ पर अगर आप दे सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर आप वो लोग लखनऊ कानपुर हाईवे से आते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको बीच में दे दूंगा। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं कानपुर से लखनऊ जाने के लिए, तो वो मेरे इधर से भी सामने से जाती हैं, तो यहाँ से भी अगर गुजरते हैं तो यहीं पर दे दूंगा, अदरवाइज लखनऊ कानपुर हाईवे के पास में उनको दे दूंगा। तो दोस्तों, इसमें जो जो सामान लगा हुआ है सभी कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से बना ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग बनाना चाहो तो इसका जो सामान है, जो भी वस्तुएं इसमें जो जो चीजें लगी हुई हैं, इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप परचेस करके आसानी से इसे बना सकते हो। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट बनाना आप लोगों को सिखा दूंगा किस तरह से आप बनाना चाहते। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। ठीक, ये आपका देखिए पूरा एक थर्माकोल का बॉक्स है। ठीक है, थर्माकोल का एक बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, इस साइड में मैंने यहाँ पर एक होल किया है और दूसरे साइड भी एक होल किया है। क्या हो तो आप एक इधर और कर सकते हो, यानी कि 4 होल कर सकते हो ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर हवा आती जाती रहे तो इसके लिए इसमें आप होल कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल मैंने किया है। इसके बाद में यहाँ पर 2 होल्डर हमने लगाए हैं। ठीक है, 2 होल्डर लगाए हैं और जरूरी रहता है 2 होल्डर लगाना, ताकि अगर इसमें दोनों में अगर बल्ब लगा रहेगा और बाई चांस अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब आपका काम करता रहेगा। आप इसमें चाहे तो 100 वाट का या 60 वाट का, ठीक है, 40 वाट का, या फिर आप इसमें 0 वाट का भी बल्ब इसमें लगा सकते हो। 0 वाट के दोनों बल्ब आप लगा दीजिए तो आप इसमें किसी भी तरह का बल्ब जो है वो लगा करके चला सकते हो इजीली। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर एक हमने लाइट दी है। ठीक है, ये डीसी लाइट दी है। ठीक है, यहाँ पर रखने के लिए ये फिलहाल नॉर्मल, और यहाँ पर एक डीसी फैन लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ में ये सेंसर यहाँ से बीच से निकला हुआ है, जहाँ पर हमने ऊपर कंट्रोलर लगाया हुआ है। ठीक, उसके बगल से यहाँ से इसी के आगे से यहाँ पर हमने इसका सेंसर का वायर निकाल दिया है। और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो वायरिंग जो है इस पर यहाँ पर टेपिंग कर दी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो वायर है इसको चलाने के लिए यहाँ पर डीसी अडाप्टर लगा हुआ है। तो ये आपका जो डीसी अडाप्टर है तो ये आपका चलाएगा, ये डीसी मशीन को भी चलाएगा। ठीक है, कंट्रोलर को भी चलाएगा और यहाँ पर फैन को भी चलाएगा और यहाँ पर एलईडी को भी ये चलाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो वायर है और इसके बाद में जो लाइट के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट के लिए प्लग है, तो आप इसको सिंपल सेल लगा देंगे तो आराम से इसकी लाइटिंग चलेगी। तो इन दोनों चीजों को लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी इसकी हम करेंगे टेस्टिंग, लेकिन प्रॉब्लम है अभी लाइट नहीं आ रही है। जब तक लाइट नहीं आती है तब तक हम इंतजार करते हैं, उसके बाद में इसको मैं आप लोगों को चेक करके कम्प्लीटली दिखाता हूँ लाइट आने के बाद। तो दोस्तों, अभी मेरे पास कोई भी कुरियर फैकल्टी यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर कोई अभी कुरियर फैकल्टी नहीं है। अगर कोई कुरियर फैकल्टी हमको मिलती है तो मैं इसको ऑनलाइन भी सेल कर दिया करूँगा। अभी तो ये सिंपल बना हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसको और भी अच्छी तरह से अपग्रेड करूँगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें 80 अंडों की हैचिंग किस तरह से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक पेपर ले लोगे, ठीक है, और पेपर को इसके अंदर बिछा दोगे। ठीक है, उसके बाद में आप इस तरह का कोई एक बॉक्स ले लोगे बड़ा सा, इसकी जो चौड़ाई है ये
ठीक है, थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जितना बड़ी होगी उतना ज्यादा इसमें पानी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पानी भर दोगे, ये चीज यहाँ पे बंद नहीं करना है, ओपन रखना है, ठीक। अगर इस तरह का कोई खोलने बंद करने वाला है, इसमें बहुत सारे आपको छेद करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे आप इसमें छेद कर सकते हो, अदरवाइज ये ओपन ही रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से इसमें पानी रख देना है, ठीक है। जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ही उसमें ज्यादा नमी बनेगी और अंडा जो रहेगा वो मुलायम रहेगा और उसमें इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आप इसके बाद में आपको 18 दिन डेली अंडे रोटेट करना है, दो बार करने हैं या तीन बार, ठीक है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कर सकते हो तो तीनों टाइम करिए मैनुअली हाथ से, और या तो फिर आप सुबह शाम तो आपको जरूर जरूर ही करना ही करना है। 18 दिन आपको अंडे रोटेट करना है, 18 दिन अंडे रोटेट करने के बाद में आपको रोटेट अंडे नहीं करना है, इसमें नमी और आपको बढ़ाना पड़ेगा। नमी बढ़ाने के लिए जो डिब्बा है उसमें आप थोड़ा सा गुनगुना या गर्म पानी आप थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। अगर आप खोल रहे इस बॉक्स को, ठीक है, उसके बाद में आप नमी कम हो रही है उसमें से थोड़ा पानी हटा करके सादा उसमें और थोड़ा सा गुनगुना पानी आप उसमें डाल दीजिए। तो इस तरह से इसकी हैचिंग आपको करनी है। तो दोस्तों इसका जो हैचिंग रिजल्ट है वो अभी मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये बॉक्स चला जाए, लेकिन जो दूसरा बॉक्स मैं हैचिंग का इंक्यूबेटर का बनाऊंगा तो उसका रिजल्ट आप लोगों को जरूर दूंगा, लेकिन वो रिजल्ट आपको 21 दिन के बाद मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हो, यदि आपके पास सामान उपलब्ध नहीं है, अगर आप इसको लेना चाहते हो और आप हमसे यहाँ पर आसानी से इसे परचेस कर सकते हो तो आप हमसे परचेस भी कर सकते हो। इसकी कीमत की बात करें तो मात्र मैं इसको 2000 रुपए में दे रहा हूँ। ये सिंपल इंक्यूबेटर है इसलिए मैं इसको 2000 रुपए में इसको फिलहाल मैं दे रहा हूँ। अभी इसको जब बताया और अपग्रेड करूँगा तो थोड़ा सा कास्ट और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे बात करके अगर आप ले जा सकते हो यहाँ से, या फिर थोड़ा बहुत आसपास कोई आता जाता है या हमारे पास से तो उनके माध्यम से भी आप ले सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास कुरियर फैसिलिटी नहीं होती है, जैसे ही कुरियर फैसिलिटी अगर मिलती है तो मैं यहाँ से आपको ऑल इंडिया आपको डिलीवर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी लाइट आ गई है, अब हम इसकी लास्ट में टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों जो डीसी का प्लग है वो मैंने लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये मशीन चालू हो गई, चालू है, क्योंकि अभी देखोगे यहाँ पर इसमें केवल ग्रीन एलईडी लाइट जल रही है, अभी बल्ब नहीं जल रहे हैं। तो अभी मैं इसमें बल्ब का भी प्लग लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देख सकते हो लाइट को भी ऑन कर दिया है, और यहाँ पर सेंसर है वो बीच में है, इसको बंद करता हूँ और इसका जो टेम्परेचर है वो देखता हूँ। तो अभी देखिए जो टेम्परेचर है 35.2 है और धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू है, और ये यहाँ पर पूरी सेटिंग मैंने कर रखी है, तो जैसे ही 37.5 पर जाएगा ये कट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक कि 37.5 नहीं हो जाता है। तो देखिए जैसे ही 37.5 हुआ लाइट ऑफ हो गई, केवल एलईडी लाइट अंदर की जल रही है। तो दोस्तों अभी मैं इसका जो सेंसर है वो बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका सेंसर जो है वो बाहर निकाल लिया है, और जैसे ही ये सेंसर ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो 1 सेंटीग्रेड डिफरेंस रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 36.5 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें आपको टेम्परेचर की किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर अभी धीरे धीरे इसका टेम्परेचर है वो कम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 36.5 जैसे हुआ यहाँ पर टेम्परेचर इसकी लाइट वो ऑन हो गई, क्योंकि सेंसर बाहर है, सेंसर को मैं अगर अंदर करूँगा तो ऐसे फिर से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बॉक्स को आपको अच्छी तरह से बंद करके रखना है ताकि जो बाहर की ऑक्सीजन है इधर उधर से ना जाने पाए, बल्कि जो केवल साइड में होल है उनके थ्रू ही लाइट जाती रहे। तो यहाँ पर देखिए फिर से लाइट को कट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।